हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉस्मिट है ना कॉस्मिट जो एक वेक्टर है ना उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कॉस्मिट वेक्टर कॉस्मिट एक हाइब्रिड डीएनए होता है जो प्लाज्मिड एवं फेज डीएनए से मिलकर बना होता है कॉस्मिट एक कॉस या बनने वाला प्लाज्मिट होता है या फिर कॉस्मिट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फेज डीएनए होता है जिसमें कि बैक्टीरियो फेज के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोट प्रेजेंट होते हैं ठीक है दिके? जैसे कि बैक्टीरियो फेज है बैक्टीरियो फेज में जब पर्टिकुलर बैक्टीरियो फेज रेप्लीकेशन की प्रोसेस कर रहा होता है उस कंडीशन में जो बैक्टीरियो फेज में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम क्या होता है कि जो भी कोड होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे साइड जैसे कॉजमिट की बात की जाए तो साइड प्लस प्लास्मिट क्या कहलाता है मिट कहलाता है पर्टिकुलर इसमें होस्ट सेल की बात की जाए तो होस्ट सेल क्या होता है हमारा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसा है प्रोक्योरेटिक है ठीक है देन इसका यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है स्पेशली कॉजमिट वैक्टर का कॉस्मिट एक ऐसा प्लाज्मिट होता है जो फेस डीएनए को कॉज साइड पर ले जाता है प्लाज्मिट और बैक्टीरिया फेज के बीच में एक हाई प्लाज्मिट जो है एंड बैक्टीरिया फेज के बीच में कॉस्मिट एक हाइब्रिड की तरह वर्क करता है और एक क्या करता है बैक्टर बनाता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग कॉज्मिट कहते हैं कॉज्मिट में प्लाज्मिट एंड बैक्टेरिया फेस दोनों की प्रॉपर्टियाँ पाई जाती हैं कॉस्मिट की डिस्कवर की बात की जाए तो इसे 1978 में कोलिस ने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले कॉस्मिट एज अ वेक्टर के फॉर्म में जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉस साइड प्लस प्लाज्मिट क्या कहलाता है हमारा कॉजमिट कहलाता है इसमें उन्होंने पर्टिकुलर ओरी सीक्वेंस की बात की थी तो ओरी मतलब होता है सिलेक्टेबल मार्कर फॉर कॉस प्लाज्मिक्रॉम अ फेस लेमडा साइट इसमें पर्टिकुलर इसका जो साइज की बात की जाए क्लोन साइज की तो थर्टी टू से फोर्टी सेवन के बी पी कैन बी क्लोन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिनोमिक लाइब्रेरी में इसका यूज किया जाता है इसका निर्माण नाइनटीन सेवेंटी थ्री में एंड एनजोस ने किया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए पर्टिकुलर कॉस्मेट का ठीक है इसके अलावा हम बात की जाए तो इसमें साइड होती है ओरी मतलब होता है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है ए एम पी मतलब होता है हमारा एम्फी रेजिस्टेंस साइड होती है और एक होती है हमारी कॉस साइड होती है ये इसका स्ट्रक्चर है साइड पॉलीलिंकर एम पी मतलब एम्फी रजिस्टेंस है हमारा कॉज्मिट कैरेक्टर की बात की जाए इसकी तो पर्टिकुलर कॉज्मिट जो है टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिट होता है कॉज्मिट में कॉस साइट पर बनने वाला प्लाज्मिट होता है कॉज्मिट एंड अबाउट फाइव के पी इन साइज कॉजमिट का जो साइज है फाइव के बी पी तक होता है यह एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट है कॉस्मिट डीएनए में बैक्टीरिया फेस के प्रोटीन को के जो कोट रहते हैं वो क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा कॉस्मिट वैक्टर में वन या फिर टू साइड्स कॉस साइड्स प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर में जो कॉस साइड होती है वो एक भी हो सकती है या फिर दो भी हो सकती है कॉस साइड कॉस्मिट वेक्टर में कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है कॉस्मिट वेक्टर क्लोनिंग कैपेसिटी अप टू फोर्टी फाइव्स के बी पी इसमें क्लोनिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है मतलब क्लोन करने की जो कैपेसिटी होती है ये इसमें फोर्टिक कॉस्मिट में प्रेजेंट होती है जब वो क्लोन करने की पोजीशन में प्रेजेंट होता है जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है नॉर्मली ट्वेंटी फाइव से फोर्टी फाइव के भी क्लोनिंग करने की कंडीशन में हमारे कॉस्मिट की क्लोनिंग कंडीशन प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर कॉस्मिट में इसके अलावा ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में भी कॉस्मिट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं एंड एडवांटेज की बात करते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव एफिशिएंसी होती है इसमें है ना कॉस्मिट बैक्टीरियल सेल में कुछ लार्ज फॉरन पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अलावा बात की जाए तो कॉस्मिट प्लाज डीएनए की कंपेयर में लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को पिक कर सकता है मतलब जो प्लाज्मिट है वो भी डीएनए में वर्क करता है वेक्टर की तरह लेकिन जो कॉस्मिट है वो प्लाज्मिट के कंपेयर में उससे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या कर सकता है लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को पिक कर सकता है जनरली कॉस्मिट का यूज़ ऑर्गेनिज्म के जिनोम में पाए जाने वाले नॉन सेंस सिक्वेंस की स्टडी करने के लिए किया जाता है बहुत से ऐसे हम लोग जब जीन सीक्वेंस पढ़ते हैं तो उसमें नॉन सेंस सिक्वेंस पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर हमारे जेनेटिक जो प्रॉपर्टीज चल रही होती है उसका भाग नहीं होते तो उसकी स्टडी करने के लिए स्पेशली कॉजमेट का यूज़ किया जाता है स्पेशली किसी ऑर्गेनिस्म में ऐसा स्पेशली होता है इसके अलावा इन्वेट्रो पैकेजिंग में भी कॉस साइड का यूज़ किया जाता है इकोलाई e. होस्ट का यूज़ करने में इसका यूज़ किया जाता है इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी हाई कॉज्मिट में होती है कॉज्मिट में हाई इंसर्टेड कैपेसिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है इसके अलावा लीनियर मॉलिक्यूल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंड स्पेशली जितने प्रकार के बैक्टीरियल से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म प्रेक्ट किए जाते हैं उसमें कॉजमिट क्या करता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रकार कॉज्मिट जो है एज अ फैक्टर की तरह वर्क करता है